रामगढ़ के अंदर बिजली की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी क्रम में रामगढ़ बचाव संघर्ष समिति की ओर से विद्युत कार्यालय के सामने एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया। उन्होंने क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है। बिजली की जो खराब स्थिति है, पूरा रामगढ़ जिला त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आने वाले दिनों में बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, बच्चों लोग का पढ़ाई बाधित हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दिन भर में 16 से 17 घंटे बिजली का कटौती किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार और सिस्टम कान में तेल डाल करके सो चुका है और ये नेता लोग की राजनीति के चक्कर में आम जनता पीस रही है। ऐसा हम लोग तो होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अभी तक का बिजली के इस आंदोलन को हम लोग रूप देने का काम किया है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब शांतिवादी तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। कल हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य पर मौन प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था और हम लोगों ने 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 26 जनवरी तक अगर बिजली का व्यवस्था ठीक नहीं किया गया, बिजली कटौती कम नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी और भगत सिंह जी के नीति और सिद्धांतों को अनुसरण करते उसी तरीके से हम लोग आंदोलन को करेंगे। कल के घटना ऐसा है कि कल सुभाष चंद्र बोस जी का पावन दिन था, जयंती का। सुभाष चौक में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, रामगढ़ की विधायक ममता देवी भी वहां पर उपस्थित हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आम लोगों ने कहा उन्हें कि मैडम यहां पर बिजली को लेकर के आंदोलन हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों विधायक भी ऐसा हमको लगता है कि उनको भी बिजली का जो कटौती और उसमें उनका मौन सहमति है, क्योंकि वो भी वहां पर उस आंदोलन में बगल में थी, नहीं आई, लड्डू खाई और पतला गली से निकल ली। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अब आने वाले दिनों में जनता भी सब देख रही कि कौन नेता जनता के लिए काम कर रहा है और जो कौन चुपचाप मौन धारे हुए है, उसको भी सबक सिखाने का काम करेगा। और बिजली विभाग का निरंकुश रवैया को देखते हुए अभी हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, और चूंकि बिजली मिल नहीं रहा किसी को, तो अभी हम लोग बिजली विभाग के गेट पे यहां पर उपस्थित हैं और अभी हम लोग लालटेन लेकर आए हैं, क्योंकि चारों तरफ तो अंधेरा है और यही लालटेन को अभी हम लोग बिजली विभाग के मेन गेट पे और इनके बोर्ड में लगाएंगे, ताकि इन लोगों को कुछ शर्म आए, सिस्टम को, विभाग को और सरकार को कुछ समझ में आए कि रामगढ़ की जनता किस प्रकार से एकदम तबाह हो चुकी है बिजली कटौती से। व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है, घर का इन्वर्टर नहीं चार्ज हो पा रहा है, लोग पानी